अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन। ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमें ग्रीन मसाला तैयार करना है। ये 1 किलो चिकन का मसाला है, 100 ग्राम हरा धनिया डंडियों के साथ और 50 ग्राम पुदीना, 8-10 हरी मिर्च। अब हमें इसे मिक्सी के जार में डाल देना है। एक कप दही डालना है, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, एक चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, एक चाय का चम्मच जीरा पाउडर, एक तली हुई प्याज। अब इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। एक कढ़ाई में 1/2 कप तेल डाल दें और उसे अच्छे से गरम कर लें। कलमी का टुकड़ा डाल दें, 4 हरी इलायची। अब इसमें हमें 1 किलो चिकन डाल देना है और इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब 3 चाय के चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसे चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसे चिकन गलने तक पकाना है। देखिए चिकन का पानी अच्छे से सूख गया है। हम चिकन चेक कर लेते हैं, चिकन भी गल गया है। अब इसमें हरा मसाला डाल दें। और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डाल दें मसाले का। आपको अगर ग्रेवी पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं पानी। 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दें। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। देखिए 7 मिनट हो गए हैं, ग्रीन चिकन बनके तैयार है। आप इस तरह से ग्रीन चिकन ज़रूर बनाएं, ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।